नमस्कार, सबन एग्ज़ाम की सी यू ट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो है मंथली करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च का पढ़ चुके थे और अब हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन है 2 करोड़ 65 लाख 93 लाख या 5 करोड़। तो सही ऑप्शन इसका होगा 93 लाख। आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने केवाईसी के मापदंडों में जो है कुछ उल्लंघन किया था, इसलिए जो है आरबीआई ने उन 93 लाख रुपए का जो है उस पर जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में जो है वो कोलकाता था, जो बाद में विस्थापित होकर 1937 में जो है वो मुंबई में स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास, जो 25वें गवर्नर हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम वेंटिक थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। 2 अप्रैल 7 अप्रैल 3 अप्रैल 5 अप्रैल। तो सही ऑप्शन इसका होगा 7 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया था। सभा ने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाएगा। WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के मुख्यालय के अलावा 7 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे हरारे अफ्रीका में, कोपेनहेगन यूरोप में, नई दिल्ली दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, वाशिंगटन DC अमेरिका, कायरो पूर्वी मेडिटेरियन तथा मनीला जो है वो पश्चिमी पैसिफिक क्षेत्रों के लिए है। इस बार का विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है उसका जो थीम था वो था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। हाल ही में ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 2 बार आया है। मान लीजिए अगला ऑप्शन आपका पाकिस्तान है, तो सही ऑप्शन इसमें होगा ऑस्ट्रेलिया। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का ये 12वां संस्करण था। मेजबानी जो है वो न्यूजीलैंड कर रहा था। विजेता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जो कि ये 7वां खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराया था। भारत 2 बार फाइनल में जगह जरूर बनाया, लेकिन अभी तक एक भी खिताब जो है वो जीत नहीं पाया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान वनडे और टेस्ट में इस समय मिताली राज है। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इसका पहला संस्करण 2009 में हुआ था। विजेता इसमें इंग्लैंड थी और मेजबानी भी इसमें इंग्लैंड कर रहा था। हाल ही में ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गई। मिताली राज, वेलिंडा, हरमनप्रीत कौर और तान्या भाटिया। तो इसका सही ऑप्शन है मिताली राज। बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 24 मैचों में खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है मिताली राज। और इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो है पूर्व महिला कप्तान वेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है। अलेक्जेंडर वुसिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। लात्विया, पोलैंड, बेलारूस, सर्बिया। तो सही ऑप्शन होगा सर्बिया। अलेक्जेंडर वुसिक सर्बिया के राष्ट्रपति चुनाव 2022 जीतकर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत किया हूँ। इसके पहले 2017 तक 2 कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। और टॉमिस्लाव निकोलिस का उन्होंने स्थान लिया है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। सर्बिया मुद्रा है सर्बियाई दिनार। सर्बिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक। अगला है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने प्राकृतिक हरित पहल की शुभारंभ की घोषणा की है। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल। सही ऑप्शन है इसका भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में किए जा सकने वाले छोटे बदलावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुभांकर प्रकृति का शुभारंभ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के मौद्रिक नीति समिति ने 2022-23 में महंगाई दर कितनी फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। 4.9%, 5.7%, 4.5% या 6.5%। तो 5.7% है। खुदरा महंगाई के 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अप्रैल 2022 में थोक महंगाई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने
थोक महंगाई की दर 15.08% रही है, जबकि साल भर पहले यानी कि अप्रैल 2021 में यह थोक महंगाई 10.74% था। एक निश्चित समय में जब वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज होने के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है तो इसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। हाल ही में निम्न में किस राज्य के नए ATS चीफ के रूप में नवीन अरोड़ा को नियुक्त किया गया है? पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर की उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन इसका होगा उत्तर प्रदेश का। 99 बैच की यूपी कैडर के IPS नवीन अरोड़ा को यूपी ATS का नया चीफ बनाया गया है। इसके पहले अमिताभ यश को आतंकवादी निरोधक दस्तक यानी कि यूपी ATS के चार्ज से हटा दिया गया है। नवीन अरोड़ा मूल रूप से जो है बिलासपुर के रहने वाले हैं और इसके पहले वो आगरा के SSP रह चुके हैं। मशहूर सरहुल महोत्सव 2022 निम्न में से किस राज्य में हाल में ही मनाया गया? छत्तीसगढ़, असम, झारखंड की मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन इसका होगा झारखंड। सरहुल झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का एक त्यौहार है। सरहुल आदिवासियों का प्रमुख पर्व है जो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव चैत महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसमें वृक्ष की पूजा की जाती है। यह पर्व नए साल की शुरुआत का एक प्रतीक माना जाता है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर। सही आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। जगमोहन रेड्डी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों के गठन करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद राज्य में कुल जिलों की संख्या मौजूदा 13 से बढ़कर 26 हो गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है? 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल कि 16 अप्रैल। सही आंसर होगा इसका 14 अप्रैल। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो इस समय मध्य प्रदेश में पड़ता है, में सूबेदार रामजी सकपाल एवं भीमबाई के 14वें संतान के रूप में हुआ। 26 नवंबर 1449 को 315 अनुच्छेद का संविधान पारित किया गया, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रचा था। संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सोनी को हाल ही में निम्न में से किस संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? SSC, NGT, ONGC, UPSC। तो सही ऑप्शन इसका होगा UPSC के लिए। मनोज जोशी संघ लोक सेवा आयोग के 31वें अध्यक्ष हैं। इसके पहले डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी थे जो 30वें अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष थे HK कृपलानी। मनोज सोनी का जन्म 17 फरवरी 1965 को मुंबई में हुआ और साल 2009 से 2015 तक वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत की एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में रोंगाली बिहू महोत्सव मनाया गया? त्रिपुरा, सिक्किम, असम, बंगाल। सही ऑप्शन होगा असम। बिहू असम के 3 अलग सांस्कृतिक उत्सवों के एक समूह को दर्शाता है और दुनिया भर के असमी प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। पहला बोहाग, जो बैसाख या अप्रैल के मध्य मनाया जाता है। माघ, जो जनवरी के मध्य मनाया जाता है। काटी, कार्तिक यानी कि अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। 3 बिहू उत्सव में सबसे रंगीन बसंत महोत्सव बोहाग बिहू रोंगोली बिहू है, जो अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। असम की राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। विश्व आवाज दिवस वर्ल्ड वॉइस डेज हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल। सही ऑप्शन होगा 16 अप्रैल। सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ की विशाल महत्व को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व आवाज़ दिवस की शुरुआत 1999 में ब्राज़ील के राष्ट्रीय आवाज़ दिवस के रूप में हुआ था। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को हाल ही में निम्न में से किस देश ने जीता? नीदरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, अमेरिका। सही ऑप्शन होगा
नीदरलैंड ले। नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीता है। इंग्लैंड ने शूट आउट में भारत को 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? फ्रांस, इजराइल, भारत, अमेरिका। सही ऑप्शन होगा भारत। हाल ही में भारत द्वारा पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई हेलिना का ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ ने शपथ ली है? मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सही ऑप्शन होगा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रसिद्ध राजनेता, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज समूह के प्रमुख सदस्य और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। पाकिस्तान की ये 23वें प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान इसके पहले प्रधानमंत्री थे, जिनकी पार्टी का नाम था तारिके इंसाफ। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद 11 अप्रैल 2022 को इन्होंने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद का अपना शपथ ग्रहण किया है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने किया है? नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक की प्रधानमंत्री मोदी ने। सही ऑप्शन इसका होगा नवीन पटनायक। पूर्वी भारत के सिख इतिहास अविनाश महापात्रा द्वारा सिख इतिहास और दर्शन पर सूक्ष्म शोध कार्य का यह परिणाम है। यह अविनाश महापात्रा द्वारा लिखित 8 पुस्तकों का संकलन है, जिसमें बिहार, असम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सिख इतिहास शामिल हैं। नवीन पटनायक भारतीय राज्य उड़ीसा के 14वें और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल। होम्योपैथिक दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल की 16 अप्रैल को। सही ऑप्शन होगा 10 अप्रैल। होम्योपैथिक दिवस जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक मैसुअल हैनीमन के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो होम्योपैथिक के संस्थापक भी हैं। दुनिया भर में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथिक इलाज के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष भारत सरकार एक थीम जारी करता है। इस वर्ष का जो थीम था वो था होम्योपैथी स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले निम्न में से पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, वीरेंद्र सहवाग, रविंद्र चंद्र अश्विनी। सही ऑप्शन होगा रविंद्र चंद्र अश्विनी। अब बात को समझते हैं हम यहाँ पे कि रिटायर्ड आउट और रिटायर्ड हर्ट दो शब्द क्रिकेट में यूज किए जाते हैं। जब कोई बल्लेबाज अंपायर की विपक्षी टीम के कप्तान से बिना सलाह मशवरा या सहमति के बिना अपनी पारी बीच में छोड़कर पवेलियन चला जाता है तो उसको हम रिटायर्ड आउट मानते हैं और नियमों के मुताबिक इसे विकेट माना जाता है। जब कोई बल्लेबाज रिटायर्ड आउट हो जाता है तो वो दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकता है। जबकि रिटायर्ड हर्ट में यदि कोई बल्लेबाज घायल हो जाता है और घायल होने के बाद वो रेस्ट में जाता है लेकिन वो दोबारा से फिर बल्लेबाजी करने के लिए आ सकता है, वो विकेट नहीं माना जाता है। रविंद्र चंद अश्विनी जो है वो राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले।